Hey everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel. So guys, my name is Zara. आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पे है जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान का ऐसा बेस्ट सोप जो आपको इंडिया में भी मिल जाएगा और पाकिस्तान में मिल जाएगा. So guys, आज की वीडियो बहुत बेस्ट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा. So guys, आज मैं कर रही हूँ एक सोप पे रिव्यू, और उस सोप का नाम है फेयर एंड लवली का ग्लोइंग स्किन सोप. सो गाइज, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैंने इसे यूज किया है. सो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है. ये काम क्या करता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बेनिफिट्स यूजेस भी इसकी बताती हूँ, प्राइस भी बताऊंगी, साथ साथ साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं ये भी मैं आपको बता दूंगी. तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके बेनिफिट्स क्या है. ये आपके स्किन को ग्लोइंग के साथ साथ आपके कलर को फेयर भी करता है. अगर आपके स्किन के ऊपर डार्क धब्बे हैं, स्पॉट्स वगैरह हैं, तो उसे भी रिमूव करेगा स्लोली स्लोली अगर आप इसे कंटिन्यूस यूज करते हो. गाइज, याद देखिए, सर्दियों में आपने सोप को रात में यूज नहीं करना. अगर आप कर रहे हैं तो फेस धोने के बाद आपने क्या करना है, फेस धोने के बाद ऐसी क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज करना है जिससे कि आपको ग्लोइंग भी हो आपकी स्किन और नरम और सॉफ्ट रहे. दोपहर में आप इसका इस्तेमाल सर्दियों में कर सकते हैं, सुपर और डुपर ऑयली स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले से यूज कर सकते हैं. मेरी स्किन गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, लेकिन मेरी स्किन वैसे नॉर्मल है. बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं तो नॉर्मल से थोड़ी सी ऑयली की तरफ चली जाती है. अगर सर्दियां आती तो हल्की पुल्की ड्राइनेस हो जाती है. सो गाइज, मैंने इसे यूज किया, अपनी सेकेंड टाइम लेकर आई हूँ अपने फेस के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपको स्किन के ऊपर फेस वॉश सूट नहीं करते, पिंपल्स एक्ने निकल आते हैं केमिकल्स की वजह से. तो फेस वॉश वैसे तो चेहरे के लिए अच्छा होता है अगर सिलेक्शन ठीक हो. काफी सारी वीडियोज बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हैं. लेकिन सोप अगर आपको यूज करना चाहते हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सूट नहीं करता, ऑयली भी है, तो फिर आप फेयर एंड लवली का ये ग्लोइंग सोप यूज करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. बेस्ट सोप है, रीजनेबल प्राइस है. प्राइस की बात कर लेती हूँ, प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको 65 से 70 रुपए के अराउंड मिल जाएगा. बहुत अच्छा सोप है, सस्ता भी है और रीजनेबल प्राइस भी है, और एक मंथ तक आपको चल जाएगा. लेकिन आपको इसको संभाल कर रखना है, यानी आपने इसे ड्राई होने के लिए बाहर नहीं छोड़ देना. जैसे ही आप काम फेस वॉश कर लें तो इसे एक बॉक्स में रखें, फिर उसे बंद कर रख दें. जो भी आप सोप के लिए बॉक्स यूज करते हैं उसमें रख दीजिए, अदरवाइज आप इसको किसी शॉपर में भी रख सकते हैं ताकि ये सेव रहे. सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि शॉपर साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि या कोई पॉली बैग में रख लें जो अच्छे से ऊपर से बंद हो जाता हो. उसके बाद आपने क्या करना है, सो यूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 2 से 3 मिनट तक मसाज जरूर किया करें. पानी लगा लीजिए अपने फेस के ऊपर और सोप्स को अच्छी तरह से अपने हैंड्स पे लगाकर फेस पे अच्छी तरीके से मसाज कीजिए, जैसे कि क्लेंजिंग करते हैं. बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह क्लेंजिंग करते रहें, नोज पे, चिक्स वगैरह पे, तो ये आपके डस्ट, पॉल्यूशन, एटलीस्ट सारी चीजों को रिमूव कर देगा. चेहरे पे जितनी भी गंदगी होगी सारी रिमूव हो जाएगी. उसके बाद आप जो भी क्रीम या मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. लेकिन सोप आप लोग, जिन लोगों ने मुझसे कहा था, आज उनकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है. सोप कौन सा यूज करें बता दिया है, कौन सा यूज करना है. और गाइस, क्रीम यूज करना चाहे ना तो विंटर फेयरनेस क्रीम है, वो भी यूज कर सकते हैं फेयर एंड लवली की. अदरवाइज मैं तो नॉर्मली फेयर एंड लवली की, खुद जो फेयर एंड लवली की क्रीम है मल्टी वाइटामिन, वही यूज करती हूँ. ये सोप भी मल्टी वाइटामिन है, फेस वॉश भी आता है मल्टी वाइटामिन, लेकिन अक्सर फेस वॉश मुझे सूट नहीं करता, कभी कभार एक पिंपल निकल आता है, तो इसी वजह से मैं फेस वॉश को अवॉइड करती हूँ. सोप मुझे थोड़ा बेहतर लगता है, तो इसीलिए मैं सोप यूज करती हूँ. सो सुपर है बॉडी के लिए. अगर आप बॉडी को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो आप इसको बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, हैंड्स एंड फीट्स पे भी यूज कर सकते हैं. ओवरऑल आपको ये बहुत पसंद आने वाला है, तो इसे यूज करके देखिए. ऑयली और नॉर्मल स्किन वाले मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बिग थम्स अप कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए. अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं उस टॉपिक का जिक्र नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और हाल चाल कैसे हैं वो भी बता ही दिया करें, कोई बड़ी बात नहीं है कमेंट करना. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.